महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का आपका जो पेपर थर्ड है उसी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम जानेंगे प्रोग्राम और नीतियों के बारे में, जो आपकी इकाई चौथी है, चौथी इकाई आपकी जो है उसके अंदर हम जानेंगे भारत में शिक्षा के संबंध में बनने वाले जो आयोग थे, चाहे वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हो, मुदालियर आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है इसको? राधा कृष्णन आयोग, कृष्णन आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय जो उच्च शिक्षा का गिरता हुआ स्तर था उसको लेकर भारतीय सरकार काफ़ी चिंतित हुई। अतः भारतीय सरकार ने जो शिक्षाविद थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसका कार्य था विश्वविद्यालय शिक्षा को की जो सुझाव है, शिक्षा को उच्च स्तर पर लाने के लिए जो कमियां हैं उनको दूर करना और जो नए नए सुझाव है उनको देने का उनको कार्य सौंपा गया। इस आयोग ने अपने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित हो, धार्मिक शिक्षा से संबंधित हो, स्कूली शिक्षा से संबंधित हो, या फिर हम बात करें तो स्त्री शिक्षा संबंधित हो। विभिन्न क्षेत्रों में इस आयोग ने अपने सुझाव दिए। तो आज हम विश्वविद्यालय जो शिक्षा आयोग है डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, उसी के आयोग के जो सुझाव दिए गए हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवंबर 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया गया था। तब क्या किया था? नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 को ये गठित किया गया था। इसलिए इसको राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग का जो कार्य था वह यह था कि भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में रिपोर्ट देना था और उन सुधारों और विस्तारों के बारे में सुझाव प्रस्तुत करना था जो देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं हेतु जरूरी थे, वांछनीय था। यानी कि इसका कार्य क्या था कि विश्व जो शिक्षा है उसके संबंध में, विश्वविद्यालय शिक्षा संबंध में रिपोर्ट देना था और जो भी सुझाव थे और जो कमियां थी उनको भी इनको उजागर करके सरकार के सामने रखना था। इसलिए इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने जो भी है उन्होंने रखे, जैसे कि विश्वविद्यालय जो शिक्षा के उद्देश्य थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य राजनीतिक, व्यावसायिक और प्रशासकीय क्षेत्र में नेटवर्क ग्रहण करने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व का निर्माण करना इनके द्वारा बताया गया है। इसी तरीके से विश्वविद्यालय साहसी, बुद्धिमान और दूरदर्शी नेताओं को चुनने में समर्थ होना चाहिए। यानी कि विश्वविद्यालय क्या होना चाहिए? साहसी, बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्तियों को चुनने में क्या होना चाहिए? समर्थक होना चाहिए। उन्हें देश की संस्कृति और सभ्यता के अग्रदूतों का निर्माण करने वाला होना चाहिए। यानी कि विश्वविद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, इस प्रकार के उद्देश्य होने चाहिए विश्वविद्यालय शिक्षा के, जो व्यक्तित्व का निर्माण कर सके और व्यक्तित्व के द्वारा ही राष्ट्र के निर्माण में उसकी भागीदारी बनाई जा सके और देश की सभ्यता एवं संस्कृति को आगे बढ़ा सके। इसी तरीके से व्यावसायिक शिक्षा विश्वविद्यालय
जो शिक्षा आयोग है उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर भी काफ़ी जोर दिया है और इस संबंध में उसने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। कृषि शिक्षा संबंध में भी इस आयोग के द्वारा सुझाव दिए गए हैं और कृषि शिक्षक संस्थाओं को इस आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने के अपने सुझाव पेश किए हैं। इसी के साथ साथ शिक्षण कार्य में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण विद्यालय में विद्यार्थियों में 3-4 विभिन्न प्रकार के वर्गों में व्यावसायिक कार्य करने का अवसर दिए जाने का सुझाव भी इनके द्वारा दिया गया है। इसी तरीके से अध्यापन स्तर पर भी विश्वविद्यालय आयोग ने अपने सुझाव पेश किए हैं। इस आयोग का मानना था कि विश्वविद्यालय में 3000 और कॉलेजों में 15000 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। विश्वविद्यालय में 3000 और कॉलेजों में 1500 से ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में 180 दिन शिक्षण कार्य होना चाहिए और ट्यूटोरियल कक्षाओं, विचार विमर्श गोष्ठियों और व्याख्यानों पर आदि पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से 18 वर्ष के आयु से पहले किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव थे जो अध्यापन स्तर पर थे, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा के अपने उद्देश्य इन्होंने फिक्स किए कि ये उद्देश्य होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा को इन्होंने महत्व दिया और साथ ही इन्होंने अध्यापन स्तर में जो जो सुझाव थे उन्होंने दिए कि वर्ष में 180 दिन शिक्षण कार्य होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक छात्र संख्या नहीं होना चाहिए और किसी भी कॉलेज में 1500 से अधिक छात्र संख्या नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से इन्होंने 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को कॉलेज में एडमिशन देने की इन्होंने अनिच्छा जाहिर की, उससे ज़्यादा की उम्र को ही इन्होंने महत्व माना है। इसी तरीके से अध्यापक वर्ग के संबंध में भी इनके सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि अध्यापन वर्ग के संबंध में इनके सुझाव ये थे कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी प्राध्यापक की कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष होनी चाहिए। वहीं जो स्वस्थ अध्यापक है उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 64 वर्ष तक करने का सुझाव भी विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा दिया गया है। इसी तरीके से उन्हें पूरे सेवाकाल में 3 वर्ष बाद 1 वर्ष का अवकाश अवश्य मिलना चाहिए, यानी कि कोई भी प्राध्यापक या कोई भी अध्यापक विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हो तो उनको जैसे 3 साल उन्होंने कार्य किया तो उसके बाद 1 साल को उनको अवकाश मिलना चाहिए। इसी तरीके से उन्हें सप्ताह में 58 घंटे, कितने घंटे? सप्ताह में 58 घंटे काम करना उनको विश्वविद्यालय में चाहिए, उनको व्याख्या उनको पढ़ाने का काम करना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने विश्वविद्यालय में जो अध्यापक है शिक्षण कार्य हैं चाहे विश्वविद्यालय कॉलेजों में उनको 58 घंटे कार्य करने की बात इनके द्वारा कही गई है। इसी तरीके से पाठ्यक्रम के संबंध में भी इनके अपने विचार हैं जिनके ऊपर हम जान लेते हैं। कौन कौन से? कि स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए अध्ययन काल 3 वर्ष का हो, यानी कि ग्रेजुएशन कितने वर्ष का हो? 3 वर्ष का हो। स्नातक होने के बाद स्नातकोत्तर जो पीजी है पोस्ट ग्रेजुएशन है उनकी उपाधि प्राप्त करने वाले का जो अध्यापन कार्य है वो 2 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन 3 वर्ष का होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर 2 वर्ष का कोर्स होना चाहिए और ऑनर्स कोर्स 2 वर्ष का हो, इसकी भी इन्होंने बात कही गई है। इस प्रकार से उन्होंने अध्यापन कार्य पाठ्यक्रम के ऊपर भी अपने विचार रखे हैं। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए इसके ऊपर भी सुझाव दिए हैं। व्यवसायिक शिक्षा कैसी हो इसके ऊपर भी सुझाव दिए हैं। अध्यापन स्तर कैसा हो, कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, कितने दिन पढ़ाई होनी चाहिए, कितने छात्र संख्या होनी चाहिए कॉलेज विश्वविद्यालय में, इसके ऊपर भी उन्होंने सुझाव दिए हैं। इसी तरह से अध्यापक का स्तर कैसा होना चाहिए, उनको कितने घंटे कार्य करना चाहिए, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी उन्होंने सुझाव दिया है। इसी तरीके से पाठ्यक्रम के में कितने वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 3 वर्ष का होना चाहिए, पीजी में उनके द्वारा 2 वर्ष का बताया गया है। इसी तरह ऑनर्स को भी इन्होंने 2 वर्ष की भागीदारी में रखा है। इस प्रकार के सुझाव विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा दिए गए हैं। अब आइए हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में
जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधा कृष्ण आयोग है, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसके ऊपर भी थोड़े से हम दृश्य डाल लेते हैं ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो सके। राधा कृष्ण कमीशन के द्वारा जो व्यवसायिक शिक्षा है इसके बारे में जो लिखा गया है वह यह है कि मनुष्य और स्त्रियों की व्यवसायिक भावनाओं से परिश्रमपूर्ण और उत्तरदायी कार्य करने के लिए तैयार करना चाहिए। यानी कि व्यवसायिक शिक्षा ऐसी हो जो स्त्री और पुरुष दोनों को बराबरी के रूप में उनको उत्तरदायी कार्य करने के लिए तैयार कर सके। आयोग के विचार से व्यवसायिक शिक्षा पर बहुत बड़ा दायित्व है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने लिखा है कि यदि हमारी संकटपूर्ण सभ्यता को जीवित रखना है तो ये आवश्यक है कि हमारे व्यवसायिक मनुष्य अपनी नैतिक शक्तियों और मानसिक योग्यताओं का प्रयोग कर आधुनिक गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार रहे। इस प्रकार से इन्होंने व्यवसायिक शिक्षा को समझाने का कार्य इनके द्वारा किया गया है। तो व्यवसायिक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव, व्यवसायिक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक विषयों पर विचार करते हुए निम्नलिखित व्यवसायों को अपनाने अपने सामने रखा है, जैसे कि कृषि, वाणिज्य, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, विधि, शिक्षण या अध्ययन और चिकित्सा और कानून। इस प्रकार के व्यावसायिकों को इन्होंने अपने सामने रखा है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कृषि शिक्षा की। कृषि शिक्षा के संबंध में उनके जो सुझाव है वो इस प्रकार है, जैसे कि वर्तमान कृषि कॉलेजों को उदार आर्थिक सहायता देकर अधिक साधन संपन्न बनाया जाए और उनमें योग्य शिक्षकों को पर्याप्त संख्या में नियुक्त किया जाए, यानी कि उनको सरकारी सहायता दी जाए कृषि कॉलेजों को और उनमें योग्य शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। इसी तरीके से कृषि स्कूल, कॉलेज एवं फार्म या जो भी संस्थाएं हैं उनको ग्रामीण इलाकों में खोले जाएं, यानी कि कृषि स्कूल कॉलेजों को आदि कहाँ पर खोले जाए, ग्रामीण इलाकों में उनको खोला जाए। इसी तरीके से कृषि तथा पशुपालन की समस्याओं से संबंधित जो अनुसंधान है वह होने चाहिए। इसी तरीके से केंद्रीय राजकीय सरकारों के द्वारा कृषि शिक्षा हेतु प्रयोगात्मक फॉर्म खोले जाने चाहिए, जो भी रिसर्च का काम है वो केंद्रीय राज्य सरकार के द्वारा खोलने जाने चाहिए। इसी तरीके से बीएससी कृषि उपाधि की अवधि भी उनके द्वारा बताई गई है कि कृषि की स्थिति में 3 वर्ष की हो बीएससी की उपाधि और पशुपालन की स्थिति में 4 वर्ष की हो। ये किसने कहा है? राधा कृष्ण आयोग ने कृषि शिक्षा में यह अपनी बात रखी है। इसी तरीके से कृषि शिक्षा के बाद इन्होंने जो बात रखी है कृषि शिक्षा इसी तरीके से वाणिज्य शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें एमकॉम की जो डिग्री है डिग्री की शिक्षा पुस्तक प्रदान न होकर व्यवहारिक होनी चाहिए। राधाकृष्णन का आयोग का मानना था कि पुस्तक प्रदान न होकर व्यवसायिक एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरीके से वाणिज्य शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शिक्षा काल में ही 3 या 4 विभिन्न प्रकार की व्यापार संस्थाओं जैसे कि बैंक, बीमा कंपनी आदि में व्यवहारिक कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी कि जब वाणिज्य शिक्षा आपको बालक प्राप्त कर रहा है तो उसी समय उनको प्रैक्टिकली रूप में व्यवहारिक रूप में जो ज्ञान दिया जाना चाहिए वो विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं जो वाणिज्यिक संस्थाएं चाहे बैंक हो बीमा कंपनी उनमें उनको प्रैक्टिस करने की अनुमति देनी चाहिए ताकि वह इसके लिए परिपूर्ण हो सके। विद्यार्थियों को किसी विशेष शाखा में विशेषज्ञ बनाने का भी परामर्श दिया जाना चाहिए कि पर्टिकुलर सेक्टर में आप विशेषज्ञ बन सकते हो, इसका भी उनको सुझाव दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से शिक्षण व्यवसाय के ऊपर द्वारा
सुझाव दिए गए हैं वह कौन कौन से हैं। शिक्षण व्यवसाय में अध्यापन के लिए केवल उन्हीं स्कूलों का चुना जाए जिनमें पर्याप्त और उपयुक्त सामग्री हो। आयोग के अनुसार अध्यापन के लिए केवल उन्हीं स्कूलों को चुना जाए जिनमें पर्याप्त और उपयुक्त सामग्री हो। प्रत्येक छात्र कम से कम 12 सप्ताह पाठशाला में शिक्षण कार्य करें। प्रत्येक छात्र कम से कम कितने 12 सप्ताह शिक्षण पाठ्यशाला में शिक्षण कार्य करें। छात्र अध्यापकों के कार्य का मूल्यांकन करने में उनके शिक्षण की सफलता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षण सिद्धांत का पाठ्यक्रम लचीला एवं स्थानीय वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रोफेसर्स और लेक्चरों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर मौलिक कार्य किया जाना चाहिए। तो शिक्षण जो व्यवसाय है, व्यवसाय उसके ऊपर भी इनके द्वारा काफ़ी सुझाव दिए गए हैं। इसी तरीके से प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग शिक्षा, प्राविधिक इंजीनियरिंग शिक्षा तकनीकी शिक्षा के ऊपर भी उनके सुझाव हमारे सामने आते हैं। इस आयोग के अनुसार इंजीनियरिंग के प्रचलित पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए ताकि उसको तारतम्य बनाया जा सके। माध्यम यानी कि इंटर के बाद पाठ्यक्रम की अवधि 4 वर्ष की हो, व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित की अवधि 5 वर्ष की हो। इंटर पास करने के बाद व्यावसायिक की अवधि कितनी होनी चाहिए इंजीनियरिंग में 4 वर्ष की हो और प्रशिक्षण सहित उसकी अवधि 5 वर्ष की होना चाहिए। इसी तरीके से इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा और आधारभूत भौतिक और इंजीनियरिंग विज्ञान को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राविधिक संस्थाओं का शीघ्र से शीघ्र निर्माण किया जाए, तकनीकी विश्वविद्यालय। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कई IITs की स्थापना धीरे धीरे इस आयोग की सिफारिश के बाद की गई थी। इसके बाद कानूनी शिक्षा, कानून की शिक्षा के लिए भी इस आयोग ने कई सुझाव दिए हैं। जैसे कि कानून शिक्षा देने के लिए व्याख्यान, ट्यूटोरियल, सेमिनार, केस का आयोजन किया जाना चाहिए। अन्य कक्षाओं के साथ समान कानून की कथाएं भी दिन में लगनी चाहिए। जहां भी कानून की कक्षाएं हों वहां वैधानिक, प्रशासकीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि अनुसंधान की सुविधाएं दी जानी चाहिए। विद्यार्थियों को कानूनी शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति तभी दी जाए जबकि वे 3 वर्ष का डिग्री कोर्स पूरा कर चुके हों। यानी कोई भी विद्यार्थी कानून की डिग्री प्राप्त करना चाहता है तो उनको तभी दाखिला दिया जाए, प्रवेश दिया जाए जब 3 वर्ष का वो ग्रेजुएशन कर चुका हो। इसी तरीके से शिक्षा चिकित्सा के संबंध में भी, चिकित्सा शिक्षा के संबंध में भी इस आयोग के द्वारा काफ़ी सुझाव दिए गए हैं। जैसे कि वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा की मांग बहुत बढ़ गई। इस आयोग ने यह भी कहा है कि इस मांग को मेडिकल कॉलेजों की संख्या को बढ़ाकर ही पूरा किया जा सकता है। इस आयोग के द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों को ग्रामीण क्षेत्र में ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपचार को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। कॉलेज में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र के लिए 10 रोगी निश्चित होकर 10 रोगियों को वे देख सके। देसी चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान कार्य के लिए विशेष सुविधाएं दी जाए। इस प्रकार के कार्य इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं। अब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा जो शिक्षा का माध्यम है, मीडियम ऑफ एजुकेशन, उसके ऊपर भी सुझाव दिए गए कि शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। आयोग को विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा के माध्यम की समस्या पर बहुत गंभीर विचार विमर्श करना पड़ा। इसका कारण यह था कि किसी दूसरी समस्या पर शिक्षाविदों में इतना मतभेद और विवाद नहीं था जितना कि शिक्षा के माध्यम को लेकर था। इसके अलावा माध्यम की समस्या पर विचार करते समय आयोग ने को सभी राज्यों और व्यक्तियों की भाषाओं शिक्षा के रूप में भी बिना किसी पक्षपात के विचार करना था। चूँकि भारत एक बहुभाषी देश है और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर शिक्षाविद भी, भाषाओं में शिक्षाविद है, तो ऐसा कोई ऐसा भी शिक्षाविद की सब शिक्षाविदों की सर्वसम्मति नहीं थी कि एक पर्टिकुलर भाषा में शिक्षा का
माध्यम रखा जाए। इसलिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार की बातों पर गहन अध्ययन करने का विचार विमर्श करने के पश्चात उन्होंने जो सुझाव दिए हैं इस प्रकार है कि भारतीय विश्व एवं नवीन ज्ञान के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए स्कूलों एवं विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के माध्यम से ही अध्यापन यथापूर्वक चलते रहना चाहिए। जो पहले से चलता आ रहा है अंग्रेजी माध्यम में वह चलते रहना चाहिए। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रावैधानिक और वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों को अपनाया जाए। इन शब्दों का भारतीय भाषाओं की ध्वनि प्रकृति और उच्चारण के अनुसार भारतीयकरण किया जाए। यानी कि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल भाषा शब्द है जो विदेशी है, उनको भारतीय भाषा में सम्मिलित किया जाए, उनको अच्छी तरह से उच्चारित किया जाए, उनको ध्वनि के रूप से उच्चारित किया जाए और उनको भारतीय भाषा में सम्मिलित किया जाए ताकि उसे आसानी हो सके भारतीय विद्यार्थियों को। हिंदी भाषा का संघीय भाषा के रूप में विकास किया जाए और देश के सभी भागों में उसे उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय बना दिया जाए। हिंदी को देश के विभिन्न भागों में चाहे वो उच्च माध्यमिक या विश्वविद्यालय स्तर के जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें उसको अनिवार्य बना दिया जाए। उच्च शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा हो किंतु राष्ट्र भाषा था हिंदी एक या अधिक विषयों की शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, ये इस आयोग का कार्य था। इस प्रकार से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, वाणिज्य शिक्षा हो, शिक्षा व्यवसाय हो, प्राविधिक इंजीनियरिंग शिक्षा हो, कानूनी शिक्षा हो, शिक्षण शिक्षा हो या फिर बात करें तो चिकित्सा शिक्षा हो, इन सभी के संबंध में हो या शिक्षा का माध्यम हो विभिन्न क्षेत्रों में इनको सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा जो छात्र कल्याण है उसके बारे में भी इन्होंने सुझाव दिए हैं। इस आयोग का मानना है कि समस्त योग्य छात्रों को समान रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा को प्राप्त करने की सुविधाएँ दी जाए। प्रवेश के समय एवं इसके बाद वर्ष में एक बार प्रत्येक छात्र के निःशुल्क स्वास्थ्य की परीक्षा की जाए। हर वर्ष निःशुल्क प्रत्येक छात्र की क्या की जाए, स्वास्थ्य की क्या की जाए, परीक्षा की जाए। विद्यार्थियों के लिए खेलकूद मनोरंजन के लिए और जेमिनेशन आदि की व्यवस्थाएं की जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार समिति का विकास किया जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र चिकित्सालय के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार की छात्र कल्याण के संबंध में विभिन्न प्रकार की बातें इस आयोग के द्वारा कही गई है, चाहे इसमें छात्रवृत्ति परीक्षाएं, छात्रवृत्ति परीक्षाओं के लिए भी, स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा सुझाव दिए गए हैं। इसके माध्यम से छात्रों में एक शिक्षा के प्रति रुझान दौड़ेगा, विश्वविद्यालय आयोग का मानना था। इसी तरीके से NCC जो है उसके संदर्भ में भी विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा काफ़ी सुझाव दिए गए हैं। NCC मतलब इनका मानना था कि सभी शिक्षण संस्थाओं में NCC के सब इकाइयों को एक वर्ष में एक बार निरीक्षण अवश्य किया जाए। जहां भी इसकी इकाइयाँ स्थापित की जाए वहां पर उसको स्पष्ट रूप से सभी छात्रों को इसको प्रेरित किया जाए। इसकी और विश्वविद्यालय कॉलेजों में NCC का प्रशिक्षण देने के लिए थल जल और आकाश तीनों सेनाओं के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाए ताकि उनको दे सके। इसी तरीके से छात्रों का जो चुनाव है विश्वविद्यालय कॉलेजों में बिना किसी भेदभाव के केवल योग्यता के आधार पर उनको प्रवेश किया जाए। किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उनके स्वास्थ्य संबंध के संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ उनके द्वारा सुझाव दिए गए हैं ताकि उनके स्वास्थ्य के संबंध में भी ध्यान रखा जाए। छात्र कल्याण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर तरह की इन्होंने बातें कही हैं। विशेष रूप से विश्वविद्यालयों में राधाकृष्णन आयोग के द्वारा छात्र कल्याण सलाहकार समिति के गठन के ऊपर इन्होंने पुरजोर तरीके से जोर दिया गया है। छात्रावासों की व्यवस्था के संबंध में भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया है। कॉलेज को संबद्ध करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनके छात्रावास उचित ढंग के हो और वे सही हो। छात्रावास में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन उनको परोसा जाए। जो व्यक्ति शाकाहारी हो शाकाहारी यूज करे, जो मांसाहारी हो मांसाहारी यूज करे। छात्रावासों का निर्माण खंडों में किया जाए। प्रत्येक खंड में 50 छात्रों से अधिक ना रखा जाए। छात्रावासों में कॉमन रूम, भोजन गृह आदि का भी निर्माण करवाया जाए। इस प्रकार की बातें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा कही गई है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने
जैसे कि मैंने आपको शुरू बताया था कि धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में भी काफ़ी कुछ अपने सुझाव दिए हैं, जिसमें मुख्य सुझाव इस प्रकार से हैं कि धर्म कोई विशेष या मत नहीं है, धर्म कोई विश्वास या मत नहीं है, वे एक परिवर्तित जीवन पद्धति है जो मनुष्य के स्वभाव और कैरेक्टर द्वारा अभिव्यक्त होती है। द्वितीय वर्ष में संसार की प्रसिद्ध धर्म पुस्तकों के वे भाग पढ़ाए जाने चाहिए जो सभी धर्मों में समान हो। इस प्रकार की बातें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा कही गई है। डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में छात्रों को विश्व के महान धार्मिक नेताओं जैसे कि बुद्ध, कन्फ्यूशियस, सुकरात, ईसा, शंकर, मोहम्मद, नानक, कबीर आदि को सम्मिलित करें, उनकी जीवनियों को सम्मिलित करें ताकि बच्चों को उनसे प्रेरणा प्राप्त हो सके। समस्त शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक दिन शिक्षण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व सब शिक्षक और विद्यार्थी कुछ मिनट के लिए मौन चिंतन करें। इस प्रकार की उनके द्वारा बातें धार्मिक शिक्षण के संदर्भ में कही गई है। अब हम अंतिम रूप से बात करेंगे विश्वविद्यालय का संगठन और नियंत्रण। चूंकि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो मुख्य कार्य था उच्च शिक्षण के संदर्भ में उनको सुझाव देने थे, उन्होंने विश्वविद्यालय का संगठन और नियंत्रण के संदर्भ में भी सुझाव दिए हैं, उनके बारे में उनका क्या कहना है। उनके अनुसार जो सुझाव दिए गए हैं कि केंद्रीय सरकार का विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित बातों में संबंध स्थापित होना चाहिए, जैसे धन केंद्रीय सरकार द्वारा दिया जाए विश्वविद्यालयों को, राष्ट्रीय नीतियाँ उनके द्वारा तय की जाए, कुशल प्रशासन की निम्नतम स्तर हो, चौथा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं वैज्ञानिक सर्वेक्षण आदि को जोड़ने वाली कड़ी हो, विशेष विषयों के अध्ययन की सुविधाओं में समन्वय। इस प्रकार की बातें केंद्रीय सरकार का विश्वविद्यालयों में जो हस्तक्षेप है इस प्रकार से होना चाहिए। प्रत्येक संबद्ध कॉलेज या अपना उद्देश्य पद्धति एकात्मक विश्वविद्यालय में और फिर संघात्मक विश्वविद्यालय विकसित होना चाहिए। अनुदान आयोग की सहायता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव रखने वाली व्यक्तियों की समितियां भी बनाई जाएं। इसी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की भी स्थापना की गई थी। 1953 में इसका गठन हो गया, 1956 से ये काम करने लग गया था। इस प्रकार से इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के संदर्भ में जानकारी दी।